ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, आप वो बदलाव बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जी हां श्रोताओं, बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है और कोरोना के इस दौर में हमारी जिंदगी में बहुत से बदलाव आ गए हैं। आज हाइजीन एटिकेट का हिस्सा बन चुका है और हम कोरोना का सही मायनों में तभी मुकाबला कर पाएंगे जब हम ये बदलाव सबसे पहले खुद में लाएंगे। इन बदली हुई परिस्थितियों में हम अगर छोटे छोटे से बदलाव ला पाए तो हम निश्चित तौर पर कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। इसलिए बदले हुए दौर में आप मास्क लगाइए, हाइजीन का पालन करिए और इमोशनल डिस्टेंसिंग को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाइए। यही कोरोना पर जीत का मंत्र है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश की सशस्त्र सेनाओं का शीर्ष नेतृत्व करने के बाद कोरोना की इस जंग में भी वो एक वॉरियर की तरह लोगों को इस अदृश्य दुश्मन से बचा रहे हैं। आपको सशस्त्र सेनाओं में रहते हुए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल पीवीएसएम से सम्मानित किया जा चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी की। डॉक्टर वेद, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 01-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskEIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वेद, देश में अब तक कोविड-19 संक्रमण से 30 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 66,000 से भी ज्यादा है। स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और ये दर 77% से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में 83,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं जो चिंता को बढ़ाते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि देश में कोरोना का पीक आ चुका है? देखिए, जो पैंडेमिक लास्ट पैंडेमिक हुआ था जी, स्पैनिश फ्लू, वो करीब 2 साल चला था। देखिए, अर्थ के जो फैक्टर्स हैं किसी भी पैंडेमिक को चलाने के लिए, वो कई चीजों पे डिपेंड करते हैं। माने ये सोच लीजिए कि वायरल लोड से लेके, ये भी डिपेंड करता है कि म्यूटेशन हो रहा है वायरस का, सोसाइटी में कितनी हार्ड इम्यूनिटी है, सोसाइटी कितनी प्रोटेक्टिव वैल्यूज यूज कर रही है, कितना मास्क यूज कर रही है। बट बाय एंड लार्ज हिस्टोरिकली हमारे पास एक चीज उपलब्ध है कि जो लास्ट पैंडेमिक था वो करीब 2 साल चला था। तो ये हम सोच के चलेंगे कि ये पैंडेमिक अभी लंबा चलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये पीक है या नहीं है जी। बट मैं ये जरूर, जो आपने खुद बताया कि रिकवरी रेट इतनी अच्छी है कि इससे इतनी डरने की बात नहीं है। हाँ, बट ये रिकवरी रेट भी तभी अच्छी है कि हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यूज कर रहे हैं, हैंड हाइजीन यूज कर रहे हैं, तो जो वायरल लोड है एक दूसरे में कम जाता है। आप भी मास्क लगाए हुए हैं, मैं भी मास्क लगाया हूं, तो जो वायरस लोड होगा यदि मैं इन्फेक्टेड हूं तो आप में कम जाएगा। तो इसलिए याद रखिए, रिकवरी रेट जो ज्यादा है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम स्ट्रिक्टली मास्क यूज कर रहे हैं जी। लेकिन अभी भी डॉक्टर वेद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं कि रोज दिल्ली पुलिस बहुत सारे लोगों का, हजारों लोगों का चालान करती है और अभी भी लोगों में वो जागरूकता नहीं है और धीरे धीरे लोगों ने, इसी कारण शायद दिल्ली में केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं और देश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। आप मास्क एटिकेट के लिए लोगों से क्या सुझाव देना चाहेंगे? कोई भी चीज हो, पहले हमेशा, जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले एक जमाने में जब हम दिल्ली में स्टूडेंट थे तो हेलमेट
जब इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई स्कूटर हेड इंजरी में लोग मर जाते हैं जी, और फिर भी नहीं डरते थे लोग मोटरसाइकिल वाले बिना हेलमेट के, पर ग्रेजुअली इट हैज कम हमारी हैबिट में नाउ। अब देखिए ना, शायद कोई बिरला होगा जो आदमी मोटरसाइकिल वाला जो है बिना हेलमेट के जा रहा होगा जी। तो पहले रूल्स स्ट्रिक्टली अप्लाई करना पड़ता है। तो शायद दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है कि पहले स्ट्रिक्ट रहिए, कि चालान करते रहिए, धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा कि नहीं बाहर नहीं जाना है। सो पहले तो रूल्स लगाते रहिए, एजुकेट करते रहिए, मीडिया में बताते रहिए, और ये बार बार हमको बताना पड़ेगा कि जो हमारी रिकवरी रेट है या जो मॉर्टलिटी रेट है जी, उसमें मास्क का भी एक बहुत बड़ा अहम योगदान है, क्योंकि कोई दवाई तो कारगर ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें कि भाई ये दवाई है कोरोना की, बट ये तो बात पक्की है, ये रिसर्च से है, ये ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे बोल दिया हो कि आप मास्क यूज कीजिए, ये रिसर्च की गई है कि यदि मास्क लगाया जाएगा तो जो वायरस है वो आपको कम अफेक्ट करेगा। और डॉक्टर वेद, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो व्हाट्सएप पे बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास और फिर धीरे धीरे वो मास मीडिया में सर्कुलेट हो जाती हैं। बहुत सी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी एक ऐसे चल रही है कि मास्क जो है वो वायरस को रोकने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब शुरू में ये पैंडेमिक हुआ था तो तभी इस वायरस पर बहुत स्टडी की गई थी। देखिए, ये सब स्टडीज ब्रिटिश मेडिकल उसमें की गई है, वो मैं एकदम से तो आपको ऑफ हैंड कोट नहीं कर सकता जी, बट चूंकि मैंने वो स्टडीज पढ़ी हैं और डिफरेंट मास्क के बारे में पढ़ा है कि भाई कॉटन मास्क कितना रोक सकता है, ट्रिपल मास्क कितना रोक सकता है, और जो एक दूसरा मास्क है M93 वो कितना रोक सकता है, तो इस पे बहुत गहन अध्ययन हो चुका है। और ये बात पक्की है कि वायरस के लिए एक मास्क वायरस को रोक सकता है। और ये चीजें, ये ऐसा नहीं बोला गया है कि आप मास्क लगा लीजिए, या कोई कहे कि आप ये तो नहीं कहा, ऐसे कोई और चीज तो नहीं कही गई जी। मास्क पे क्यों इतना जोर दिया गया? क्योंकि इस पे स्टडीज हो चुकी हैं। हाँ देखिए, व्हाट्सएप पे तो चूंकि आजकल कुछ भी आप, मैं आपसे कहने लगूं कि सुबह सुबह नहीं, आप रात को 12 बजे अदरक का रस पिया कीजिए, तो मैं फैला सकता हूं जी। क्योंकि ये व्हाट्सएप नाम का हथियार हर आदमी के पास है जी, तो ऐसा कर सकता है। पर जो भी थोड़ा होशियार आदमी होगा वो स्पेशलिस्ट की राय मानेगा। हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, तो हम लोग एश्योर करना चाहते हैं कि जो मास्क है वो एक बहुत बड़ी चीज है। दोनों पार्टियों को मास्क लगाना है, आप किससे बात कर रहे हैं जी, वो भी मास्क लगाए हुए हैं, आप भी मास्क लगाए हैं, तो आपको कोरोना फैलने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जी। तो जैसा कि डॉक्टर वेद बता रहे हैं कि श्रोताओं, आपको मास्क लगाना है, और इसीलिए हमारी आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के जरिए ये पूरी कोशिश होती है कि हम आपको सही जानकारी दे पाएं, एक्सपर्ट से आपकी बात करा सकें, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि मास्क ही एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। डॉक्टर वेद, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के मरीजों में डेक्सामेथाजोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन जैसे स्टेरॉयड काफी कारगर हो रहे हैं, और भारत जैसे देश में तो इनकी कीमतें भी काफी कम हैं, आसानी से उपलब्ध भी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हम लोगों ने बहुत शुरू में दो ड्रग्स के बारे में लोगों को बताया था जब ये शुरू में हुआ था, एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, और एक स्टेरॉयड। ये डेक्सामेथासोन है वो स्टेरॉयड है। यदि आप NIH UK की गाइडलाइन पढ़िए, क्या है ये लोग गाइडलाइंस बहुत बनाते हैं, और ये 1 सितंबर को इन्होंने अपडेट किया था कि 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन यूज किया जाए, तो जो कई डॉक्टर भाई सुन रहे होंगे जी, ये समझ लीजिए कि 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन को 10 दिन देना पड़ता है। और ये एक ऐसी ड्रग है, चाहे कितनी ड्रग्स हैं, देखिए आपके पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, आपके पास रेमसिडेविर है, आपके पास टॉसिल्यूमैब है, बट ये एक ऐसी ड्रग है डेक्सामेथासोन या स्टेरॉयड
कि इसमें जितनी भी स्टडीज की गई हैं वो प्रूवन फैक्ट्स है कि इससे मोर्टिलिटी कम हो जाती है। तो मेरा मतलब है कोई दवा कारगर हो ना हो, ये दवा कारगर हो जाती है। कभी कभी डेक्सामेथासोन नहीं मिलता, डेक्सामेथासोन ओरल भी आता है और इंट्रावीनस भी आता है। तो यदि क्योंकि ये चूंकि गांव गांव में ये दवा पॉपुलर है, गांव गांव में मिलती है, तो इसको ये भी सीख लिया जाए कि 6 मिलीग्राम जो डेक्सामेथासोन होता है पहले तो 10 दिन देना है। दूसरा है कि यदि ये नहीं मिलता तो इक्विवेलेंट डोजेस है प्रेडनिसोलोन है वो 40 मिलीग्राम यूज करना है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन 32 मिलीग्राम यूज करना है, हाइड्रोकॉर्टिसोन 160 मिलीग्राम यूज करना है। तो मेरा मतलब है कि जो डेक्सामेथासोन है उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डेक्सामेथासोन को प्रेफर किया गया है कि वंस ए डे देना है सिर्फ। तो एक बार दिन में दे दिया, और कभी कभी डेक्सामेथासोन नहीं मिलता तब कर सकते हैं ये, बट एक बार जरूर है कि डेक्सामेथासोन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी सेफ है। तो एक जिसे कह सकते हैं हम लोग की एक बहुत कॉमन ड्रग है, और इस कॉमन ड्रग के लिए इसमें बाकायदा स्टडीज पब्लिश हैं कि इससे मोर्टिलिटी कम होती है। तो ये दो दवाइयों को एक आम हिंदुस्तानी डॉक्टर ये गांठ बांध ले कि डेक्सामेथासोन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों चीपर दवाइयां हैं, मिलती हैं हर जगह, हर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, और ये इसका यूज होना चाहिए। डोज हमेशा याद रखें 6 मिलीग्राम है, 10 दिन तक देना है। जी, तो बहुत सारे हमारे कार्यक्रम जो है बहुत सारे चिकित्सक भी सुनते हैं, तो जैसा कि डॉक्टर वेद ने बताया कि किस तरीके से डेक्सामेथासोन कोरोना के इलाज में काफी कारगर हो रहा है। और डॉक्टर साहब, इस समय बहुत सारे श्रोता हैं जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और ओम प्रकाश जी चुरू से हमारे साथ उपलब्ध हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब सरकारी आयुर्वेद हॉस्पिटल में गया था, आज रतनगढ़ चूरू राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी तो मैं तो मास्क लगा गया था, सीनियर सिटीजन हूँ, 77 एज है मेरी जी। हाँ तो मैं कितना सुरक्षित हूँ, वहाँ पर काफी लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे जी। डॉक्टर वेद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अस्पतालों में जाना पड़ता है अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए, खुद मास्क लगा के जाते हैं, लेकिन अगर आपके सामने वाले ने मास्क नहीं लगाया है तब हम कितने सुरक्षित हैं? हाँ, तब तो निस्संदेह हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, और हमेशा ये हर आदमी का कर्तव्य है, सिर्फ ये डॉक्टर्स का या गवर्नमेंट का, ये मीडिया नहीं, और भी जो लोग हैं, यदि मेरे बगल में कोई बस में आदमी बैठा है और मास्क नहीं लगाए हुए है, तो ये मेरा पूरा कर्तव्य बनता है उनको बोलना कि देखिए आपने मास्क नहीं लगाया है, इसके कारण मुझे परेशानी हो सकती है, आपको भी हो रही है, तो आप मास्क लगाइए। तो ये हम सबको कहने का अधिकार है, और इसकी हिम्मत आनी चाहिए जी। इसमें आप झिझक मत करिए, आपको लगता है किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो आप जरूर बोलिए। बोलना जिसे कहते हैं रोको और टोको जी, जी। यही चीज बार बार हम करेंगे तभी किसी को समझ में आएगा जी। डॉक्टर वेद, आपने ये जो बात बताई है कि हमारे आसपास लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास्क आप सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लगा रहे हैं बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी उससे जुड़ी हुई है। तो आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरे का जीवन खतरे में आता है तो वो आपको अलाउड नहीं है। और इस बीच हमारे साथ मंसूर मध्य प्रदेश से बसंती लाल जी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं सबोरिया स्कूल घाटी जिला मंसूर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार, और मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मुंह में छाले या थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम या खांसी हो जाती है, क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते क्या? जी डॉक्टर वेद, कई बार बहुत कॉमन सिम्टम्स जो आजकल का मौसम चल रहा है बरसात का, तो सर्दी खांसी जुकाम जो है बहुत आम होता है, तो इसमें और कोरोना में हम कैसे विभेद करें, क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए थोड़ा बहस होता है, मैं भी हॉस्पिटल रोज जाता हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल जब लौट के आता हूँ कभी मुझे थोड़ा बहुत जुकाम हो जाता है या कोई थोड़ा बहुत छाला आपको लग रहा है मुंह में, बट बेसिकली
जिसे कहते हैं हर चीज के 100 कारण होते हैं। जैसे आपके सिर में दर्द है तो हर सिर का दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता जी। इसी तरह हर जुखाम और हर गले का, हाँ यदि कोई परसिस्टेंटली आपको रोज जुखाम हो रहा है, रोज गला खराब हो रहा है, बुखार आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, एक आध दिन कभी हुआ ठीक हो गया, तो ये तो बहुत सारे, स्पेशली जब रेनी सीजन होता है तो जैसे मेंढक निकलते हैं ना जी, ऐसे ही वायरस निकलते हैं। तो ये वायरस हजारों की संख्या में है, ये वायरस कोरोना वायरस नहीं और वायरसेस हैं जी। जुखाम का वायरस है जिसे हम फ्लू कहते हैं, गले का वायरस है वो अलग है, हेपेटाइटिस का वायरस अलग है, मसल्स में जो है जो अफेक्ट करते हैं वायरस अलग है। तो ये एक आइडियल सीजन है वायरस का। तो कोरोना के अलावा भी कई और चीजें हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम आपको जरा भी डाउट है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, और ये डॉक्टर को लगता है तो जरूर टेस्टिंग की सुविधा तो जगह जगह उपलब्ध है। देखिए जहां इस पूरी कंट्री में सिर्फ एक लैब थी, आज 1500 लैब है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक देश के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से अगर नंबर ऑफ टेस्ट की हम संख्या भी देखें, जिस समय आरटीपीसीआर और ये सारी चीजें हो रही हैं, और देश ने लगातार 2 दिन से 11,70,000 जो है कोविड परीक्षण की उपलब्धि हासिल की है, सरकार का टारगेट कहीं ना कहीं 10 लाख था लेकिन हम उसको भी क्रॉस कर चुके हैं, कितना आप जरूरी मानते हैं कि नंबर ऑफ टेस्ट को हम इसी रफ्तार से बढ़ाए रखना जरूरी है? नहीं, टेस्ट तो करना चाहिए हमको, क्योंकि यदि ये पैंडेमिक है तो आज पैंडेमिक चूंकि पेरीफेरी में पहले सुविधा नहीं थी मेरी ख्याल से, दैट इज नंबर वन जी। दूसरा, पेरीफेरी में नहीं फैला था ये, पहले मेट्रोज में फैला हर जगह, एक नेचुरल इसकी साइकिल है कि वहां ज्यादा फैला जहां ओवर क्राउडिंग थी, उसके बाद ये पेरीफेरी में, क्यों कई लोग पेरीफेरी में गए। तो टेस्टिंग तो जरूर होते रहना चाहिए, बिकॉज उससे हमें रियलिटी, भाई एक तो आप ये कह सकते हैं नहीं टेस्टिंग की कोई जरूरत ही नहीं, आग मूंद के बैठे रहिए, बट टेस्टिंग होगा तो हमें रियल जो सिचुएशन है वो पता चलेगी, और जब हमें रियल सिचुएशन पता चलेगी उसमें डरने की कोई बात नहीं है, होने दीजिए। आप कहते हैं कि लाखों रोज केस हो रहे हैं, होने दीजिए, कोई बात नहीं, दैट इज ओके। पैंडेमिक में तो होंगे ही, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो संख्या तो होगी ही, बट हमको ये भी तो ज्ञान हो रहा है कि हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, हमारी डेथ रेट बहुत कम है जी। तो एक बहुत बड़ा ज्ञान हमको मिल रहा है कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन में हमारी डेथ रेट इतनी कम है, तो इसका भी तो एक ज्ञान, विज्ञान को इसी तरह डेवलप होता है कि हमको आइंदा आने से हमको डरेंगे नहीं हम जी। और डॉक्टर वेद, अगर किसी फैमिली में कोई व्यक्ति कोरोना का से संक्रमित हो जाता है और सबने अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया है जिसमें से एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है, परिवार का 3 सदस्य निगेटिव पाए जाते हैं, तो क्या बाकी जो सदस्य हैं उनको फर्दर अपना आरटीपीसीआर कराना चाहिए या उसे निगेटिव मान लेना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा सोचता हूं कि यदि मेडिकली सोचा जाए कि यदि मेरे को, मैं अपने घर में हूं और मुझे खांसी जुकाम है और मैंने अपना एक टेस्ट कराया रैपिड एंटीजन, वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टेस्ट बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है, तो ये तो बात पक्की हो गया कि उसको, उनको कोरोना है। क्या दूसरे लोगों का टेस्ट कराने की जरूरत है? यदि वो बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में है जी, और यदि सिम्टोमेटिक है, तो सिम्टोमेटिक है तो कराना ही है, ये तो बात पक्की बात है। जब एसिम्टोमेटिक है वो एक ग्रे लाइन एरिया जरूर है, कोई कहे कि नहीं साहब मैं उनके साथ बहुत ही क्लोज 5-6 दिन से हूं, तो उसमें कराने में कोई वो नहीं है, बट जनरली हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि यदि सिम्टोमेटिक है तब कराना चाहिए जी। और इस बीच महाराष्ट्र थाने से हमारे साथ आदित्य जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। आदित्य जी नमस्कार। पहली बात तो जो है मैं डॉक्टर सर को नमस्कार करना चाहता हूं और आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, आकाशवाणी की टीम को भी और डॉक्टर सर को भी, कि इस समय में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा सवाल ये है, सीरो सर्वे की इफेक्टिविटी पर मेरा सवाल है कि मान लीजिए किसी जिले की पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक नंबर, मान लीजिए 10,000 है जी, आपने उसमें से एक स्पेसिफिक नंबर जैसे 1,000 लोगों का आपने लिया सीरो सर्वे के लिए जी, और उसमें से 500 लोगों में एंटीबॉडी आती है तो आप कह रहे 50% है जी, लेकिन मान लीजिए उस जिले में से उन्हीं 500 लोगों में एंटीबॉडी हो तो 5% हो जाएगा, या उनमें से 1,000 लोगों में एंटीबॉडी हो तो 10% हो जाएगा, तो आप कैसे सीरो सर्वे की इफेक्टिविटी इतने कम नंबर्स पर आ सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है जी, 30-40 स्ट्रेन है कोरोना वायरस के, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि वैक्सीन विल बी इफेक्टिव और नॉट, तो आपका उस पर क्या कहना है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जब आप वो किसी जनमानस का सीरो सर्वे एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है तो वो बेफिक्र हो जाता है, लेकिन जब एक सर्वे कल रिलीज हुआ था गुजरात की तरफ से कि 1.5 महीने में 40% ऑफ द रिकवर्ड पेशेंट हैज लूज देयर एंटीबॉडीज ऑफ कोविड-19, तो 5.5-6 महीने में तो उस जगह में सारी कोविड-19 की एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी। जी डॉक्टर वेद, सबसे पहले तो सीरो सर्वे की बात आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, सवाल किए हैं इसके सैंपल साइज को लेकर, जैसे एक मन में डाउट आता है, जैसे अभी हमने देखा कि दिल्ली में तीसरा सीरो सर्वे अभी चल रहा है और 11,000 से आसपास पहला सीरो सर्वे का साइज था, अभी हमने 17,000 के आसपास जो सैंपल साइज है वो लिया हुआ है, तो इस सैंपल साइज के आधार पर हम पूरे दिल्ली में कैलकुलेट करते हैं कि अगर 2 करोड़ की जनसंख्या है तो इतने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज मिल सकती हैं या वो कोरोना से संभावित संक्रमित हो सकते हैं, तो सैंपल साइज का यहाँ पे कितना बड़ा रोल है इसके बारे में? देखिए, ये सैंपल साइज आपने कभी कभी चुनाव के नतीजे सुने होंगे जी, कि 10 लोगों से वो लोग बात करते हैं और चुनाव के नतीजे बताते हैं कि साहब ये लोग जीतेंगे जी जी, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जैसे ये सैंपल साइज है ये एपिडेमियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यदि समझ लीजिए पैंडेमिक ना हो तो इसकी सैंपल साइज अलग होगी जी। आज पैंडेमिक है तो हम ये मान के चल ही रहे हैं कि हमारी पूरी पॉपुलेशन, तो जैसा पहला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वही से पॉपुलेशन में आपने ले लिया है, बाकी पॉपुलेशन को तो नहीं लिया है, तो ये आइडियली पूछा जाए तो सबका होना चाहिए जी जी। यदि कोई कहे कि व्हाट इज आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन है कि भाई 100 लोग रहते हैं इस देश में तो 100 की एंटीबॉडीज कर लीजिए, पर वो तो पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा देश है, तो फिर एक सैंपल साइज बनाया जाता है। वही सैंपल साइज बनाता कौन है? ये एपिडेमियोलॉजिस्ट बनाते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट बनाते किस बेसिस पे है कि यदि कोई बीमारी पैंडेमिक है तो सैंपल साइज ये होगा, कोई बीमारी एपिडेमिक है जी तो ये होगा, कोई स्पोरेडिक बीमारी है तो सैंपल साइज ये होगी। तो उसमें हम ये सोच के चलें कि जो विद्वान लोग बोल रहे हैं वो सैंपल साइज ठीक है, दैट इज नंबर वन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि उसके क्या किया जाए उसके लिए, तो देखिए ये तो ये प्रॉब्लम जितने वायरसेस में है, बट जहां तक साइंस बोलती है कि कुछ कॉमन एंटीजन हैं, जैसे स्पाइक्स एंटीजन है वो कॉमन है, तो यदि इसीलिए तो 3-4 कंपनियां अलग अलग तरह की वैक्सीन बना रही हैं, कोई स्पाइक्स एंटीजन यूज कर रहा है, एस एंटीजन, जैसे कि अभी इसके पहले मैं पढ़ रहा था जी कि आपका जो एचआईवी है, एचआईवी इज ए आरएनए वायरस जी, ये भी एक आरएनए वायरस है, आरएनए वायरसेस के खिलाफ कोई वैक्सीन बहुत मुश्किल से बनती है, बट चूंकि एक इतना बड़ा वो चल रहा है, एक इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, पूरा वर्ल्ड इसमें लगा हुआ है, तो डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन में ये पहचान की गई है कि जितने वायरसेस हैं कॉमन वायरसेस के लिए एक कोई बहुत अननोन म्यूटेशन हो जाए तो बात दूसरी है, कि ये 2 या 3 तरह की जो वैक्सीन हैं जी टाइम विल से कि कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, म्यूटेशन विल ऑलवेज रिमेन ए प्रॉब्लम, और कई बार ऐसा हुआ है कई चीजों में और कई बीमारियों में जी, कि म्यूटेशन होके होने के कारण वैक्सीन उस पर्टिकुलर ग्रुप में इफेक्टिव नहीं हुई है, बट 99% ये सोच के चला गया है कि ये एंटीजन प्रॉब्ली सभी ग्रुप्स में रहता है और इफेक्टिव होगा,
अभी मैं आरएनए वैक्सीन के बारे में पढ़ रहा था कि एक और ग्रुप ने आरएनए वैक्सीन लॉन्च करने जा रहे हैं वो लोग, जो कि बहुत से वायरसेस के लिए अफेक्टेड होगी, नॉट ओनली वन, मल्टीपल वायरसेस के लिए। बिल्कुल। और डॉक्टर वेद, जैसा कि हमारा देश जो है वर्ल्ड लीडर है वैक्सीन के क्षेत्र में, 60% मार्केट शेयर हमारे देश के पास है, और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं समाचारों में कि रूस ने जो अपनी वैक्सीन डेवलप की है उसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वो हमारे देश की तरफ देख रहा है, और पूरा विश्व इसमें भारत की ओर आशा लगाए बैठा है कि कब हम उस वैक्सीन का जो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक पैंडेमिक है, तो इस समय किसी एक पर्टिकुलर देश द्वारा वैक्सीन का निर्माण कर लेना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उस वैक्सीन को पूरे विश्व के लिए उपलब्ध कराना, अन्य देशों के लिए उपलब्ध कराना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन को हम ऑलरेडी वैक्सीनेट करते हैं जी, बच्चों को, ये तो हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल वही है, एक बार यदि साइंटिस्ट अप्रूव करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम वर्ल्ड लीडर हैं और हम वैक्सीन वर्ल्ड को सप्लाई कर सकते हैं। एक बार टेक्नोलॉजी अप्रूव हो जाए और एक बार ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये वैक्सीन इफेक्टिव है, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग वर्ल्ड लीडर हैं और हम अपने देश की लार्ज पॉपुलेशन के अलावा और लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा टेक्नोलॉजी चीपर है, हमारा मैन पावर चीपर है, और हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा उपलब्ध है जी। और अब हमारे अगले कॉलर जिनसे नफीस सिंह जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हेलो, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सिद्धार्थ सिंह नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर वेदी चतुर्वेदी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर जी, मुझे ये पूछना, ये आरोग्य सेतु ऐप कोरोना काल के दौरान कितना कारगर और कैसे कारगर है, क्या काम करता है आरोग्य सेतु ऐप जी? डॉक्टर वेद, बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहेंगे कि हाँ, ये इस समय बहुत ज्यादा आरोग्य सेतु ऐप की बात चल रही, कितना कारगर है ये? नहीं, कारगर इससे देखिए, आप खुद यूज करके कभी देखिए, आप इसको एक ऐसे टूल की तरह मत लीजिए कि पनिशमेंट है। आप आरोग्य सेतु का मतलब है कि एक ऐप है जिसमें आपको कोरोना के बारे में हर कुछ जानकारी मिल सकती है कि कितने केसेस हैं, कहाँ हैं, किस एरिया में हैं, क्या आपके आसपास हैं। तो बेसिकली उसका बनाया तो इसलिए गया है जी कि आपको कोरोना की पूरी जानकारी उस ऐप से मिल सके, यही उसकी सक्सेस का वो है जी। इसको कोई और सक्सेस से मत नापिए इसको। हाँ, कोई कहे कि और कोई इसमें जादू टोना है, जादू टोना नहीं है, एक ऐप है जिसमें कि आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। आपको बगल में, जैसे जहां मैं रहता हूं जी, मुझे नहीं मालूम कि मेरे मोहल्ले में कितने जी, लोग कितनी दूरी पे है, पता लग सकता जी, है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलते चलते डॉक्टर वेद, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि चूंकि अभी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो खुलने वाली है जी, अभी बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, हमारी होटल इंडस्ट्री और ट्रेवल इंडस्ट्री धीरे धीरे खुल रही है, तो ये एक जिम्मेदारी की गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम 5-6 महीने में हम जिम्मेदार हुए हैं, हम जिम्मेदारी निभाएंगे यदि और स्ट्रिक्टली इस चीज को करेंगे। एक ही चीज तो करनी है आपको जी, मास्क सबसे इम्पोर्टेंट है, हैंड हाइजीन नेक्स्ट है, एंड डिस्टेंसिंग, और चौथा है टॉकिंग एटिकेट। आप एक दूसरे के मुंह में मत बात कीजिए, थोड़ा बस यही चीजें करनी है जी, बिल्कुल जिम्मेदार बनना है जी। यदि हम जिम्मेदार बनेंगे तो हम वायरस के साथ रहना सीख सकेंगे, चाहे वो वायरस 1 साल रहे चाहे वो 2 साल रहे जी। बिल्कुल डॉक्टर वेद, आपने बहुत अच्छी टिप्स हमारे श्रोताओं को दी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का भी उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही, चलते चलते आपसे यही कहेंगे, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है, गुलाब कांटों में रहकर भी खिलता है। इसलिए श्रोताओं, आप कोरोना से जंग में अपना हौसला यूं ही बनाए रखिए, और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा।
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।